मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जय हिंद फ्रेंड्स, अभी इसको बदलना है, लोहे को क्या देना पड़ेगा? हीट। इसके अंदर ऊर्जा है, कौन सी? काइनेटिक। जैसे ऊर्जा दोगे वो एक्टिवेट हो जाएगी, बस ये बदलने लगेगा। तुम ये कर ही नहीं रहे हो, तुमको अपने अंदर की काइनेटिक एनर्जी का पता ही नहीं है। तपस्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका। लिख लो नोट करके। तुमको लगता था तपस्या मतलब परिवार छोड़ के भाग जाना, तपस्या क्या है? काइनेटिक, अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना, बस तुम बदल जाओगे। इधर तुमने एक्टिवेट किया, उधर तुम बदले। उस काइनेटिक एनर्जी को विज्ञान क्या कहता है? स्टेमिना। पहले दिन चलोगे तो 5 किलोमीटर चल लोगे, ज्यादा से ज्यादा, तो ये सब भर जाएगा, ये हाथ वगैरह पैर वगैरह सब भर जाएगा। वो जो सोई हुई एनर्जी थी ना, वो खुल रही है। फिर दूसरे दिन इच्छा नहीं होगी चलने की, बहुत दर्द हो रहा। दूसरे दिन जाओ और फैलेगी। 10 दिन बाद तुम 8 किलोमीटर चल रहे हो, कहां से आई शक्ति? अंदर थी ना। बीस दिन बाद तुम 15 किलोमीटर चल रहे हो, कहां से आई शक्ति? अंदर थी। कौन सा तुम बादाम खाने लगे आज से? मजदूर का मतलब वो व्यक्ति जिसमें उसकी रुचि नहीं है। तो बिना रुचि के जब तुम कोई काम कराओगे वो मजदूरी है, और जब तुम मजदूरी करोगे तो सफलता की कोई संभावना ही नहीं है। है? नहीं। वो तुम कर लो मजदूरी जितना है, कौन सा मजदूर दुनिया में? अब कबीर जो है वो जो चद्दर बुनते हैं कितनी मस्ती में बुनते हैं, तुम पढ़ो कबीर का जीवन। एक चद्दर बुनते हैं 10 दिन में, फिर बाजार में ले आते हैं, फिर सबको राम कहते हैं कि राम ये तुम्हारे लिए बुनी है। एक मूवी है हिंदी में सौदागर, पुरानी मूवी है। कौन हीरो है? एक्टर अमिताभ बच्चन। आज उस मूवी को देखना जाके, उसमें जो उसकी वाइफ होती है वो खांड बनाती है गुड़, इसका नारियल का, और वो इतने मन से बनाती है, इतने भाव से बनाती है कि जैसे वो गुड़ बाजार लाता है सब एक घंटे में बिक जाता है। मतलब यहां वो बाजार में आके बैठा है, यहां बिका। फिर क्या होता है, उस बड़ी प्यारी मूवी वो भाव को प्रदर्शित करती कि भाव कितनी कीमती चीज है दुनिया में। फिर क्या होता है कि वो उसका किसी और से अफेयर हो जाता है, वो उससे शादी कर लेता है, वो भी गुड़ बनाती है। तीन तीन चार चार दिन गुड़ ही नहीं बिकता, भिखमरी भिखमंगा बना जाता है घर में। तुमको सिर्फ, तुम मजदूर थोड़ी हो यार। जो मेहनत नहीं करेगा भगवान उसको खाना खाने नहीं देगा, यही है डायबिटीज। डायबिटीज कोई बीमारी थोड़ा है, ये तो उसका मैनेजमेंट फॉर्मूला है। उसका 500 करोड़ रुपया रखे हैं, BMW पे चल रहे हैं,
पर बनाना शेक नहीं पी सकते हैं। तुम मर्सिडीज देख के कह रहे हो कि बीएमडब्ल्यू देख के यार हमारी किस्मत, एक तरफ तुम एक गिलास बनाना शेक पी रहे हो उसका तुम्हें खुशी नहीं है, है? गन्ने के जूस में दही डाल के पियो कितना मजा आता है, मट्ठा। किसी डायबिटीज के पेशेंट को पिलाओ, लेट जाए तुरंत। एक जग गन्ने का जूस और उसमें दही और पी लो, कितना आनंद। अभी देखो चौसा आम बाजार में है इस वक्त, इस वक्त बाजार में दो आम है, दोनों मीठे का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, एक सफेदा एक चौसा। एक आम खा लो दोपहरिया सो दिन भर लेट। लेकिन कि देखो मालिक डॉक्टर ने क्या कहा, कहा डायबिटीज बीमारी है मत खाना, डायबिटीज बीमारी नहीं है, डायबिटीज है नेचुरल मैनेजमेंट। रिक्शा वाला खा नहीं पाएगा और तुमको खाने नहीं दूंगा। जब तुम रिक्शे वाले के बराबर मेहनत करोगे, आओ पैसा कमा लिए तो क्या आतंक मचाओगे? अगर पैसे वालों को डायबिटीज नहीं होती तो मिठाई की दुकान खाली होती सब, क्योंकि मीठा खाने से ऊर्जा बढ़ती है, हर चीज में ग्लूकोज होता है, ऐसा थोड़ी मिठाई में मीठा ग्लूकोज होता है, आटा रोटी चावल। और जब तक 2 किलो चावल मटन डाल के ना खाओ दोनों हाथ से इसे भर भर के, तब तक जीवन का क्या मजा है यार? भाई जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज, जो दाल चावल खाते हैं उनके लिए दाल चावल, 2 किलो दाल चावल उसमें दाल सब मिला के चोखा ओखा, और तुम ना चावल खा सकते हो ना आलू खा सकते हो, जौ की रोटी बना। कल मैंने ट्विटर पर लिखा कि अमीरी तुमको महान बनाती है और पैसा मूर्ख। पता नहीं किसको समझ में आया, एक आदमी ने लिखा है कि दोनों में फर्क क्या है। अमीरी मतलब जब तुम 5 किलो मीठा खा सकते हो तुम अमीर हो, पर तुम्हें अपनी इस अमीरी का एहसास नहीं है, तुमको लगता है जिसके पास पैसा है वही अमीर है। और यह भ्रम किसने पैदा किया? शिक्षा ने। यह भ्रम किसने पैदा किया? वो बासी रोटी खाया करो, बासी रोटी सरसों का तेल सेंधा नमक और प्याज। कल मैंने कहा था क्या घी, अरे घी तो और मस्त है यार, हमको तेल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल काटता है पैदा नहीं करता, उसकी खासियत है। घी में एनर्जी बहुत है, गाय का घी खा लिए 10 दिन तो पता लगा यहां से लेके बरेली तक पैदल चले गए। सीमित एनर्जी लेनी है ना, पता लगा बरेली में घूम रहा हूं, पूछे कहां, बोले मास्टर साहब घी खा रहे थे, यादव गुजर जाट सब क्यों पढ़ने से भागते हैं, एक बाल्टी दूध पी गए, इतना घी कटोरी में पी गए उठा के, अब ज्यादा बन गई, ज्यादा हो गई, अब लाठी उठी। शायद ही कोई, अब तो खैर नहीं है, हमारे समय में शायद ही कोई यादव यादव का लड़का होता था जो लाठी ना चला ले, खाई पी शरीर गमछा बांध के भैंस पे बैठे कूद के, नहीं वो घी का ही कमाल था। तो शहर वाले लड़के ये सब तो पन्नी वाला दूध पीते हैं, तो पाउच में आता है
दूध थोड़ा है वो तो रंग उंग डाल के पानी में बना दिया कि ले जे। तुम गाय घर का दूध पी के देखो और ये दूध पी के देखो, जमीन आसमान का फर्क, इसमें जहर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ। देखो 28 दिन का रिचार्ज कंपनियां देती हैं, अरबों का धंधा करती हैं सिर्फ उसी छोटे राजनीति से, कोई विरोध है नहीं करता, सब मस्त है यूट्यूब देखने में, और धीरे से 27 कर दे किसी को पता ही नहीं चलेगा। और कैसे प्यार से फंसाया, अनलिमिटेड डाटा देकर आदत पड़वाया, पॉटिंग बैठे हैं 2 घंटा हो गया, बोले भैया बोले सीरीज देख रहे हैं, पॉटी तो हो गई, फिर बाहर निकलकर कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, समाज बहुत खराब है। मोबाइल रखना छोड़ दो, 1500 का वो मोबाइल लो छोटा वाला, और ये वाला जो है इससे सिर्फ पढ़ा करो, बाकी इसको दिन भर बंद रखो। सैमसंग नोकिया वोकिया का आता नहीं 1500 का, उसको दिन भर अपने पास रखो, उसमें 5-6 नंबर रखो, फालतू में रिश्तेदारी करने की क्या जरूरत है।